हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में काली जीरी की मदद से आप कैसे किसी भी बकरी के दस्त को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। छोटे से वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण समाधान आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दस्त की समस्या जब भी किसी बकरी को हो, आप उसके कारण का पता करिए। कारण का पता कैसे करें? मान लीजिए भाई, बकरी को जो दस्त हो रही है उसमें कीड़े आ रहे हैं या म्यूकस आ रहा है, तो इसका मतलब कीड़ों का कारण है। इसके अलावा आपने पेट को हिलाया और पेट में पानी बोल रहा है, इसका मतलब एसिडोसिस हो सकता है। लेफ्ट साइड में पानी बोले तो एसिडोसिस की संभावना ज़्यादा रहती है, और अगर राइट साइड में पानी बोले तो एल्कोलोसिस की संभावना ज़्यादा रहती है। वहाँ पर हमें एसिडोसिस एल्कोलोसिस का ट्रीटमेंट करना होता है भाई। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर हमें कारण का पता ही नहीं चलता और दस्त हो रही है। ऐसी कंडीशन में कौन सा घरेलू फॉर्मूला यूज करें ताकि दस्त को ठीक किया जाए? और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे काली जीरी का। जी हां, आप सभी जानते हैं काली जीरी पशुओं के लिए बहुत ही शानदार रहती है। काली जीरी की मात्रा 1 चम्मच बड़ी बकरी के लिए। बड़ी बकरी कौन सी? जो 20 किलो से कितनी भी बड़ी हो। काली जीरी को अच्छी तरह से कूट लेंगे और साथ में आपको लेना है 2 चम्मच चाय पत्ती। जो बड़ी बकरी है उसके लिए 2 चम्मच चाय पत्ती और 1 चम्मच काली जीरी, और आपको इसको अच्छी तरह से कूट लेना है। काली जीरी को कूट लीजिए और चाय की पत्ती को कूटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप उबालिए इनको, और उबालने के बाद छान लीजिए। अगर ना भी छाने तो कोई परेशानी नहीं है, बिना छाने ही आप इस मात्रा को अपनी बड़ी बकरी को दे सकते हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा और दस्त से भी मुक्ति मिल जाएगी। भाई कई बार क्या होता है, 20 किलो से कम की बकरी भी मिल सकती है आपको, तो उस स्थिति में आपको इस डोज की मात्रा आधी कर देनी है, यानी 1 चम्मच चाय पत्ती और 0.5 चम्मच काली जीरी। काली जीरी को कूटिए और उबालिए, लेकिन काली जीरी और चाय पत्ती को एक साथ उबालना है। उबाल करके ठंडा करना है और ठंडा करके पिला देना है। भाई दस्त का जो रीजन है, जो आपको पता नहीं चला, इस तरीके से आप दस्त को बिल्कुल रोक सकते हैं। ये घरेलू आजमाया हुआ फॉर्मूला है और बहुत ही अच्छा काम करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।